आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और रेडिकल। रेडिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर हमें रेडिकल समझ में आ जाए तो 40 से 50% आइसोमेरिज्म, हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोमेरिज्म वर्ड, या किसने इसको डिस्कवर किया। आइसोमेरिज्म को जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था बर्जिलियस। तो पहला क्वेश्चन हो गया आइसोमेरिज्म टर्म्स किसने दिया। आइसोमेरिज्म टर्म्स दी बर्जिलियस ने। बर्जिलियस के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपाउंड के मॉलिकुलर, दो कंपाउंड के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, जैसे हमारे पास है एन ब्यूटेन और दूसरा है आइसो ब्यूटेन, और दोनों का ही मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10 होता है, तो अगर दो कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर या उनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो इन दो कंपाउंडों को हम एक दूसरे का आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फिनोमिना का नाम होगा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म टर्म्स दिया बर्जिलियस ने, और बर्जिलियस का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो तो हम उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म के दो पार्ट। आइसोमेरिज्म का जो पहला पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। उसको हम कहते हैं स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी कई सारे पार्ट, और स्ट्रक्चरल का जो पहला पार्ट है वो है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा पार्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और फोर्थ पार्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेटामेरिज्म। और इससे भी नेक्स्ट पार्ट है टॉटोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट हो गए, ठीक है ना। एक हमारा फंक्शनल, दूसरा हमारा, अब इनमें से हम कौन सा सबसे पहले पढ़े, कौन सी आइसोमेरिज्म हमको सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन से। इन सबसे पहले हमें रेडिकल डिस्कस करने पड़े, पर पहले ये क्लासिफिकेशन और पूरा कर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट। पहले पार्ट को हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और इस दूसरे पार्ट को कहते हैं कंफर्मेशनल। तो स्टीरियो के दो पार्ट हो गए, एक कॉन्फिगरेशनल या कॉन्फिगरेशन और दूसरा कंफर्मेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम आइसोमर बॉन्ड तोड़ के बनाते हैं, बॉन्ड ब्रेक करके बनाते हैं, तो उसे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कहते हैं। और अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, क्या होता है, जिस आइसोमर्स को बिना बॉन्ड ब्रेक किए बनाए, जैसे ये हमारा एक आइसोमर, अब हमने सिंपल ऐसे घुमा दिया तो ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जबकि सॉरी ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के लिए पहले बॉन्ड टूटेगा और फिर ये ऐसे अटैच। तो बिना बॉन्ड तोड़े हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स नहीं बना सकते। कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल।
कई लोग यहीं पे पहली जगह ही गलती कर जाते हैं। अगर वो पूछता है कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के ही बोलते हैं, लेकिन एक वो ज्योमेट्रिकल बोल देते हैं और एक ऑप्टिकल। नहीं, स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होंगे, पहला कॉन्फिगरेशनल, दूसरा कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड रीमेक होगा, तब आइसोमर बनेगा। और कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो हम आइसोमेरिज्म को आगे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रेडिकल पढ़ेंगे कि अब ये रेडिकल होता क्या है। जैसे हमारा ये मिथेन है, और मिथेन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह कोई नया ग्रुप लगा दिया, या सिर्फ हाइड्रोजन हटा दिया, तो जो बना है उसको रेडिकल कहते हैं। तो हम बेसिकली फोकस मोनो रेडिकल्स पर करेंगे, एक ही हाइड्रोजन हटाएंगे। हमने मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल बन गया। अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मिथेन के जीरो आइसोमर्स और एक रेडिकल ही होगा, सिंपल। फिर हम आते हैं इथेन की तरफ। अगर मैंने इथेन के किसी भी हाइड्रोजन को हटा दिया तो हमें ये रेडिकल मिल जाएगा, इसका आइसोमर जीरो होगा और इसके रेडिकल भी वन होंगे। कोई कह रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, अगर हमें रेडिकल ऑलरेडी याद है तो हमें प्रोडक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो गए मिथेन से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, एक। इथेन से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, एक, क्योंकि इसका एक ही रेडिकल पॉसिबल। अब हम चलते हैं प्रोपेन की तरफ। प्रोपेन में से अब यहाँ हाइड्रोजन चेंज हो गया, ये हाइड्रोजन या कार्बन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन या प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जब एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसको प्राइमरी कार्बन। तो ये वाला कार्बन प्राइमरी हो गया और ये वाला भी प्राइमरी हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच। और इस बीच वाले कार्बन को हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इधर भी अटैच्ड है और इधर भी अटैच्ड। ठीक है, तो एक बार हम इसे हाइड्रोजन प्राइमरी से हटाते, जब हम प्राइमरी से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा, और अगर हमने सेकेंडरी से हटाया तो ये बनेगा। अगर आपको रेडिकल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, हाइड्रोजन हटाओ और सीएल लगा लो, और फिर आईयूपीएसी नेम करके देखो। इसका नेम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन और इसका नेम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। जितने डिफरेंट कंपाउंड बन जाएंगे उतने ही रेडिकल बने। अब प्रोपेन का आइसोमर तो जीरो होता है, लेकिन रेडिकल 2 होता है। तो अब क्वेश्चन आ गया, प्रोपेन से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे? तो प्रोपेन से जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे 2। ठीक है ना, प्रोपेन से कितने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेंगे? 2। प्रोपेन से कितने एल्डिहाइड पॉसिबल हैं? 2। मतलब इसके मोस्टली क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाए। हम चलते हैं और नेक्स्ट रेडिकल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट। बेसिकली यहां तक क्वेश्चन नहीं बनता, और अगर बनता है तो 11th 12th के लाइक। अब हम चलते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, ब्यूटेन के जो आइसोमर बनते हैं वो 2 होंगे, तो C4H10 के आइसोमर 2, और रेडिकल कितने होंगे? इसके रेडिकल 4 होंगे। अगर आपको मेरी तरह याद है कि ब्यूटेन के रेडिकल कितने होंगे, तो अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि वो पूछे ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल, तो ब्यूटेन के 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल।
वो पूछे ब्यूटेन से कितने अल्कोहल पॉसिबल है, तो ब्यूटेन से जो अल्कोहल बनेंगे वो भी चार होंगे। ब्यूटेन कितने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बन सकता है? चार। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर चार होगा। यहां पर आकर कुछ बच्चों को अब आइसोमर बनाने में प्रॉब्लम हो जाए, तो हम सीखते हैं आइसोमर बनाना। ये मैंने C1 ऐड किया, अब C1 में तो कुछ पॉसिबल दूसरा है ही नहीं, तो जब मैंने C1 में C2 ऐड किया, अब C2 को चाहे मैं यहां ऐड करूं या यहां ऐड करूं, दूसरा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। अब मैंने इसमें C3 कार्बन को ऐड किया, तो C1, C2 और C3, अगर मैं C3 को इधर C1 से भी जोड़ दूं तो भी यही कंपाउंड बनेगा, 3 कार्बन बना। इसका मीन्स हुआ कि प्रोपेन का कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, प्रोपेन में भी कोई भी आइसोमर नहीं बन सकता। अब देखना ध्यान से, मैंने इसमें C4 कार्बन एटम ऐड, ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि डायरेक्टली एक से अटैच, ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि ये दोनों साइड अटैच है और ये भी प्राइमरी, और दोनों प्राइमरी कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, तो ये दोनों ही प्राइमरी कार्बन सेम एनवायरनमेंट के। तो मैंने क्या किया, C4 को ले जाकर सबसे पहले C3 से ऐड कर दिया, तो C1, C2, C3 और C4, ये ब्यूटेन का पहला आइसोमर बन गया, क्योंकि चारों कार्बन लाइन से हैं इसलिए एन लगाया। एन बताता है कि स्ट्रेट चेन में कार्बन जुड़े हुए हैं और टोटल कार्बन चार है, इसलिए हम इसको एन ब्यूटेन। जबकि दूसरे आइसोमर में मैंने इस C4 को सेकेंडरी कार्बन से ले जाकर जोड़ दिया, तो एक नया आइसोमर बन गया जिसका नाम होता है आइसो। कई बच्चों को आइसो में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आइसो का मतलब होता है किसी भी साइड में किनारे पर कॉर्नर पर अगर ये स्ट्रक्चर बनी हुई है तो इसको आइसो कहते हैं। सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसका नाम तो आइसो है पर उसमें आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, और वो कंपाउंड है आइसो ऑक्टेन। तो यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, किस कंपाउंड में आइसो स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगी? तो आइसो ऑक्टेन को छोड़कर बाकी सब में किनारे पर ये हो, तो देखो ये तो हो गया आइसो। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर बन गए, एक का नाम एन ब्यूटेन, दूसरे का नाम आइसो ब्यूटेन। अब हम चलते हैं रेडिकल बनाने के, तो ध्यान से देखना, ये बात सिर्फ एक बार समझनी चाहिए और फिर याद कर लेनी चाहिए। अगर मैं यहां पर सीएल जोड़ू तो उसका नाम होगा 1-क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं यहां पर सीएल जोड़ू तो उसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं यहां सीएल जोड़ू तो अब नंबरिंग यहां से नहीं यहां से होगी और वो 2 पर ही आएगा, तो इसका नाम भी 2-क्लोरोब्यूटेन, मतलब ये और ये कैंसिल हो। अब यहां जोड़ू तो 1-क्लोरोब्यूटेन, तो फिर से कैंसिल हो गए, ठीक है ना, इसके साथ। तो अब एन ब्यूटेन से 2 रेडिकल मिले, और वो रेडिकल कौन कौन से होंगे? CH3, CH2, 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 CH। दिस इज 1-क्लोरो रेडिकल। मैं डायरेक्ट ही क्लोरीन लगाकर आपको दिखा रहा हूं, आप OH भी लगा सकते हो। और दूसरा हो जाएगा CH3, CH2, मैंने यहां पर Cl लगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एन ब्यूटेन से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, तो एन ब्यूटेन के जो रेडिकल की नंबर है वो 2, ये आपको अब याद रखनी है, तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेंगे। ब्यूटेन से कुछ भी पूछे 2 ही बनेंगे, कैसे? कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से एन ब्यूटेन बनेगा,
टू। अब आया ये आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन में अगर मैं यहां से हाइड्रोक्लोरीन लगाऊं तो उसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो, लेकिन अगर मैं यहां लगाऊंगा तो टू क्लोरो, यहां लगाऊंगा फिर से वन क्लोरो, और यहां से लगाऊंगा फिर से वन क्लोरो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्लोरीन लगाकर देख सकते कि हर बार नेम सेम ही आएगा। जैसे मैंने यहां लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। और अगर यहां लगाया इस जगह पर तब इसका आयोपिक नेम हो जाएगा टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं यहां जोड़ू सीएल तो अब फिर से यही वन क्लोरो हो जाएगा, यहां जोड़ू तो अभी वन क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरीन वन पे लगाने के तीन कंडीशन तीन जगह हैं, लेकिन सारे सेम है। तो अब हमारा फाइनली क्लियर हो गया है। ब्यूटेन के दो आइसोमर होंगे एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के दो रेडिकल, आइसो ब्यूटेन के दो रेडिकल, और टोटल रेडिकल चार। तो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हम C4H10O से कितने अल्कोहल बना सकते हैं। तो हमको ये बात अब याद हो गई है कि ब्यूटेन के चार रेडिकल होते हैं, तो हमको बनाकर देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम चार। और अगर बनाने भी हैं तो हमको ये लाइन हेल्प करेगी, क्योंकि हमको बताना पता है चार से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं। अब अगर एमसीक्यू में ट्विस्ट आ जाए कि सी ठीक है ना एन ब्यूटेन से कितने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेंगे, तो ब्यूटेन से तो चार है पर एन ब्यूटेन से सिर्फ दो ही बनेंगे, क्योंकि एन ब्यूटेन के रेडिकल की नंबर दो होती है। और अगर आइसो ब्यूटेन से पूछे तो भी रेडिकल की नंबर टू होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रोपेन की, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रोपेन प्रोपेन के थ्री आइसोमर्स होते, ये बात जैसे जैसे मैं बताता जाऊं आप लर्न करते जाए, मैं सिखा रहा हूं कैसे हो रहे हैं, बार बार सीखने की कोशिश मत करो। ब्यूटेन में अगर मैंने फाइव कार्बन को इससे जोड़ दिया तो हमें एन पेंटेन बन, ठीक है ना, इससे जोड़। अब अगर मैं यहां सीएल लगाऊं तो होगा वन क्लोरो, यहां लगाऊं तो टू क्लोरो, यहां लगाऊं तो थ्री क्लोरो, क्योंकि दोनों तरफ से ये थ्री पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर सीएल लगाया, अब कुछ बच्चे इधर से नंबरिंग कर लेंगे जो रॉन्ग होगी, और ये वन। तो देखो टोटल कितने रेडिकल बने, तो एन पेंटेन से टोटल रेडिकल्स की नंबर थ्री आएगी। मतलब एन पेंटेन की अगर हम कोई भी रिएक्शन कराएं या किसी से बनाए तो तीन कंपाउंड से ये पॉसिबल। सी फाइव को इस सेकेंडरी कार्बन पे ऐड कर, ये तो एन ब्यूटेन हो गया। अब मैंने यहां पर एक कार्बन ऐड कर दिया तो ये स्ट्रक्चर बनते ही ये आइसो हो गया, और टोटल कार्बन है फाइव, तो पेंटेन बन गया। अब अगर जैसे मुझे याद है इसके चार रेडिकल बनते, इसके फोर रेडिकल बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान कैसे बनेंगे ध्यान से देख। जब मैं यहां सीएल जोड़ूंगा तो मैं जोड़ते ही जाता, मैंने क्या किया यहां पर सीएल जोड़ दिया, तो इसका नाम होगा वन क्लोरो टू मिथाइल, वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं यहां जोड़ू
तो अब ये वाला जो पार्ट है वो बदल जाएगा और सिर्फ क्या हो जाएगा, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो हमने इससे दो कंपाउंड बना लिए हैं, बाकी टू हम इस साइड में बना। तो जब मैंने एन ब्यूटेन में कार्बन ऐड किए, फिफ्थ कार्बन ऐड किया, तो ये दो बन गया। अब इससे और कोई नहीं बन सकता। यहां जोड़ूंगा तो वापस ये बन जाएगा, यहां जोड़ूंगा कार्बन तो वापस से यही बन जाएगा कुल मिला। ठीक है, अब हम इस आइसो ब्यूटेन पे जोड़ते। ये हमारा आइसो ब्यूटेन, और आइसो ब्यूटेन पर अगर मैं यहां फिफ्थ कार्बन जोड़ता हूं तो वापस से आइसोपेंटेन बन गया, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। अगर मैं यहां जोड़ दूं, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन था, तो अब एक नया आइसोमर बन गया। टर्शरी कार्बन पर एक नया आइसोमर बन गया है और उसको हम कहेंगे नियोपेंटेन। ठीक है ना, तो अब पेंटेन के तीन आइसोमर्स होंगे, कौन कौन से, एक एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा हमारा हो जाएगा नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन से जो रेडिकल के नंबर है वो एक ही आएगी। नियोपेंटेन से जो रेडिकल बनेंगे, ठीक है ना, वो एक ही होगा। कैसे होगा, अगर मैंने यहां पर सीएल लगाया तो इसका नाम हो जाएगा वन टू थ्री, वन क्लोरो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर मैं यहां जोड़ू तो भी ये नेम आएगा, यहां पर जोड़ू तो भी यही नेम आएगा, यहां पर जोड़ू तो भी यही नेम है। मतलब कुल मिलाकर एक रेडिकल बन। तो अब पेंटेन से जो टोटल रेडिक आइसोमर बने वो तीन आइसोमर हो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। और इनके तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहला आइसोमर एन पेंटेन, दूसरा आइसोमर आइसोपेंटेन और तीसरा आइसोमर नियोपेंटेन। इसके रेडिकल तीन, इसके रेडिकल चार, इसके रेडिकल वन, टोटल रेडिकल हो गए आठ। तो आप क्वेश्चन आए, अगर C5H12 के ऑक्सीडेशन से कितने अल्कोहल पॉसिबल, तो आठ अल्कोहल पॉसिबल, कितने आठ। एन पेंटेन से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल, तीन। आइसोपेंटेन से कितने मोनोक्लोरो या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल पॉसिबल, फोर। नियोपेंटेन से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल, वन। कितने अल्कोहल पॉसिबल है, वन। टोटल एट। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड का, पेंटेन के उस आइसोमर्स का नाम बताओ जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है, नियोपेंटेन। पेंटेन के उस आइसोमर्स का नाम बताओ जो थ्री मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना, तो एन पेंटेन। पेंटेन के उस आइसोमर्स का नाम बताओ जो चार मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है। यहां पे कॉम्पिटेटिव वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन और, जो आइसोपेंटेन वाले हैं उनके चार में से दो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, दो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास पूरी कहानी आ गई है, पेंटेन के तीन आइसोमर्स, आठ रेडिकल, जिसमें से आइसोपेंटेन के दो कंपाउंड या दो रेडिकल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि उसमें काइरेलिटी या काइरेल एटम प्रेजेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हेक्सेन के आइसोमर्स।
जो हमारा हेक्सेन है उसका फॉर्मूला C6H14 बताए, तो इसका जो पहला आइसोमर होगा वो स्ट्रेट चेन में होगा जिसको हम एन हेक्सेन कहें, या इससे टोटल 5 आइसोमर्स और 18 रेडिकल बनते। आपको मुझे लगता नहीं कभी भी आप जब तक नीट का एग्जाम देते रहोगे आपको बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और 11th 12th में ये टॉपिक होता ही नहीं, और 11th में इतनी हार्ड नहीं होता, तो कुल मिलाकर आपको बनाने शायद कभी भी नहीं पड़े। अगर हम यहाँ जोड़े तो 1 क्लोरो, यहाँ जोड़े 2 क्लोरो, यहाँ जोड़े 3 क्लोरो, यहाँ वापस जोड़े 3 क्लोरो, यहाँ 2 क्लोरो, यहाँ 1 क्लोरो, तो टोटल आइसोमर्स रेडिकल नंबर इज 3। तो एन हेक्सेन के, एन हेक्सेन से टोटल 3 रेडिकल बन, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमने 5 कार्बन तो ऐसे ही लिख लिया और यहां लिख लिया, तो ये हो गया आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन में जितने कार्बन होते हैं, ठीक है ना, जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम रेडिकल बनता है। आइसोब्यूटेन इसका एक्सेप्शन, आइसोब्यूटेन में, ठीक है ना, यह हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि आइसो में जितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है उतने ही रेडिकल बचते, जैसे आइसोब्यूटेन में 4 रेडिकल थे, आइसोपेंटेन में, क्योंकि 4 कार्बन। अब इसमें कितने कार्बन की चेन है, 5, तो ये 5 रेडिकल। आइसोब्यूटेन में 2 ही कार्बन की चेन थी, 3 कार्बन की चेन, पर उसमें 2 रेडिकल बनते हैं, तो आइसोब्यूटेन इसका एक्सेप्शन, तो आइसोहेक्सेन से 5 रेडिकल बनते। फिर है हमारा ये न्यूहेक्सेन। न्यूहेक्सेन में आप देखोगे ये तीनों कार्बन एक जैसे, तो एक तो इनसे बनेगा, यहां लग नहीं सकता कुछ भी क्योंकि कार्बन के टेट्रावेलेंसी फुलफिल हो चुकी है, तो 1 2 और इन तीनों से एक, तो इस न्यूहेक्सेन से टोटल 3 आइसोमर्स पर। अब आया हमारा ये 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन इक्विवेलेंट, चारों ही कार्बन प्राइमरी है, सेम एनवायरनमेंट है, तो इन चारों से एक ही रेडिकल बने, और ये 2 कार्बन एक जैसे हैं तो इन दोनों से भी एक बनेगा, तो टोटल इसमें 2 रेडिकल बने, ठीक है ना। अब आया हमारा लास्ट, जो लास्ट है हमारा वो है ये तो पेंटेन हो गया, 3-मिथाइल पेंटेन, ये दो सेम होंगे, तो 2 एक यहां से एक यहां से, ये सेम हो गए, और तीसरा यहां से बनेगा और एक यहां से, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो 3 और 5 होते हैं 8, 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव भी, इसलिए टोटल इसमें 18 रेडिकल माने जाते हैं, तो हेक्सेन के रेडिकल के नंबर 18। आपको याद करने से भर से ही काम चल जाएगा कि ब्यूटेन के, प्रोपेन के रेडिकल 2, ब्यूटेन के रेडिकल 4, पेंटेन के रेडिकल 8 और हेक्सेन के रेडिकल 18। मतलब अगर हम हेक्सेन का मोनोक्लोरीनेशन करते हैं तो टोटल 18 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, हेक्सेन से टोटल 18 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेंगे। पर नॉर्मली इनमें ऐसे नहीं पूछा जाता, इसमें ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन से कितने मोनोक्लोरो
या कितने मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनेंगे, क्योंकि इसके रेडिकल टू है तो इसको जरूर याद रखना, 2,3-dimethylhexane। मैं इसका नेम भी लिख देता हूं, 2,3-dimethylbutane। इसके जो टोटल रेडिकल हैं वो दो है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी वो कहानी में ट्विस्ट लाएगा और यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दे। अब यहां तो कुछ हो नहीं सकता और ये चारों एक जैसे हैं, तो 2,3-dimethyl-2-butane से सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये रेडिकल का कंसेप्ट पसंद आएगा और ये आपकी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर दे। इससे ज्यादा अगर आपको आइसोमर 6 के बाद सीखने हैं, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कभी उस पर क्वेश्चन के ज्यादा चांस है। हेप्टेन के टोटल 9 आइसोमर्स बनेंगे, ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स बनेंगे, नोनेन के 35 आइसोमर्स बनेंगे और डेकेन के 75 आइसोमर्स बनेंगे। मैंने कभी भी इस हेक्सेन के आगे रेडिकल बनाई नहीं है क्योंकि उसके आइसोमर ही 18 हैं, तो रेडिकल की नंबर बहुत हाई चली जाएगी, जिसको याद करना कोई लॉजिकल काम नहीं है, सिर्फ आपको अपना टाइम वेस्ट करना हो या टीचर को बच्चे का टाइम वेस्ट करना हो तो हेप्टेन के रेडिकल बनाकर बच्चे को दिखा सकते हैं, उससे उसकी एंजाइटी तो सेटिस्फाइड हो जाएगी, पर उससे उसका जो नुकसान होगा वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसको सीखने में कम आधा घंटा एक घंटा लगते है, उसके रेडिकल बनाने में भी इतना टाइम लग जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। हेक्सेन इज लास्ट स्टेप, आज तक हेक्सेन के रेडिकल भी नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ कहानी पेंटेन और ब्यूटेन पे ही आके खत्म हो जाती है, या हेक्सेन के किसी इंडिविजुअल आइसोमर्स के रेडिकल पर बेस क्वेश्चन। तो आइसोमेरिज्म के सेकेंड पार्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नॉर्मली ऐसा नहीं करते, नॉर्मली पहले चेन पढ़ते हैं, फिर पोजीशन पढ़ते हैं, फिर कोई और पढ़ते हैं, पर क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ट्विस्ट बहुत कम है, मेटामेरिज्म में ट्विस्ट बहुत कम है, टॉटोमेरिज्म में ट्विस्ट बहुत कम है, चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म में, चेन रिंग में कोई ट्विस्ट है ही नहीं, तो पहले हम बिना ट्विस्ट वाली पढ़ेंगे और सबसे एंड में पोजीशन की पढ़ेंगे, क्योंकि पोजीशन में सबसे ज्यादा लोच, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहे, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।